आपके फ्लैशबैक में जाते हैं और बहुत सारी माएं तो भूल भी जाती हैं, फिर उसको याद करती हैं, अच्छा हाँ हमने ये किया था, बच्चे बता रहे थे. सो हम जाते हैं आपके बच्चों की 2 से 7 साल की उम्र तक. इस वक्त आप भी यंग मदर थी. अच्छा, माओं की, जैसे बच्चों की तुम कह रही हो ना, ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, इसी तरह माओं की ज़िंदगियों में भी फ़र्क फ़र्क स्टेजेस आते हैं. और जब वो स्टेजेस गुजर जाती हैं, जैसे अभी हम 2 से 7 की बात कर रहे हैं, फिर उससे बाद और उससे बाद, तो फिर आप व्हेन यू लुक बैक ऑन दो स्टेजेस, व्हाट मोस्टली यू सी इज वेयर यू वेंट रॉन्ग. बेसिकली आपको परवरिश में कुछ गलती हो. आपको देखो, दूर से देखने में जरा क्लियर नजर आता है ना, बड़ा ब्रॉड विजन होता है. अब जब मैं दूर से देखती हूँ ना, उस वक्त अगर कोई मुझसे पूछता, आई वॉज डूइंग माई बेस्ट लाइक एनी मदर, क्योंकि पहले बच्चे आप कैसी माँ थी जिसके हाथ पाँव फूल जाया करते, या जो कॉन्फिडेंट थी कि गलती भी की है तो कॉन्फिडेंस से. आप कैसी, खुद आपकी नेचर कैसी थी एज माँ? Confident, but zahir hai, at the same time learning all the time from other people and trying to achieve certain things. Aap, you know, 2 se 7 saal ki umar mein bhi aapko pata hota hai ki aapne kya achieve karna hai through your children. Hyper thi ya composed thi? I was always hyper. Achha. I was always hyper. और वही मैं अब सोचती हूँ कि गलत था. ओके, यू नो, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में थी कि सेपरेट? सेपरेट, अलग. हमेशा से, हमेशा से. तो यानी कि आपको खुद पालने पड़े सारी गलतियाँ, सही सब फैसले, सब कुछ खुद करने. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. और मैं वो वाली माँ थी जिसको के हर चीज़ एक साथ सही रखनी है ना. सिर्फ मेरा पूरा फोकस मेरे बच्चों पे नहीं था, मेरा घर भी क्योंकि नया था, 2 साल पुराना था उस वक्त जब मैं ना आई, तो वो भी एक नया टास्क था मेरे लिए. मेरी फैमिली उस वक्त जो मेरी अक्वायर्ड फैमिली थी वो भी नई थी मेरे लिए. सो उनको भी मुझे साथ लेके चलना था. शादी भी नई थी. यस, 2 साल की शादी वर्क इन प्रोग्रेस होती है, फन नहीं होती. एक काम जो हो गया है और बच्चा दूसरा काम है, नहीं होता. सो ये चार काम, घर, ससुराल, आपका मियाँ और आपका बच्चा, ये चारों काम है. शादी के पहले 2, 3, 4, 5, 10 साल आई टेल एवरी गर्ल दैट द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ, आई सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, गुजारने में इतने ज़्यादा नहीं लगते. पहले 10 साल जिंदगी के इन्वेस्टमेंट है. If you invest them right, then you can, you know, फिर आप उसका फल मिलना आपको शुरू हो जाता है. प्यारी बात है कि शादी के बाद जो 10 साल है वो इन्वेस्टमेंट है. एग्जैक्टली, वो आप फल लगा रहे होते हैं, दरख्त पूरा पौधा लगाते हैं, गार्डन करते हैं और फिर उसका फल खाते हैं. और जिन औरतों के साथ आप आज बैठी हो, हाँ, ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने शादी के बाद से पहले काम शुरू कर दिया था. हाँ, है ना, इंक्लूडिंग यू. आपने शादी के बाद किया है? शादी से पहले, पहले भी किया है? अगर पहले ही किया होगा तो फिर ही चल. और फिर आपको एक आपके बैक ऑफ द माइंड कांस्टेंट चीज़ ये भी होती है कि उसको छोड़ना नहीं है. और उस और लोग भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ने नहीं देते और बुलाते हैं और आप आना चाहते हो. सो यू फिडलिंग दीज 5 things टुगेदर. ओके, आप इन 5 चीज़ों को मैनेज कर रहे हो. सो जो बात वही 2 से 7 पे वापस आते हैं बच्चे की एज तो एक मैं, और मैंने कहा मैं हाइपर हूँ. हाँ, हाइपर अभी तक ही हूँ. हाँ, हमेशा रहूँगी बिकॉज दैट्स मी. सो मुझे लगता है थोड़ा चिल होना चाहिए था मुझे. आप थोड़ी सख्त माँ थी, डिसिप्लिन थी? मैं डिसिप्लिन. खाओ खाना, इस वक्त खाना है, डिसिप्लिन. सो इस वक्त सोना है. हाँ हाँ, कपड़े उतरने हैं तो उतरने हैं. आप गाड़ी में अगर बदतमीजी कर रहे हो तो आई स्टॉप द कार, ओपन द डोर, आस्क द चाइल्ड टू गो आउट. ओके, एंड आई विल ड्राइव द कार इफ यू बिहेव लाइक दिस. ओके. So I was that kind of strict when it needed to be.